आरती परम ताप शंकर अवंतिका के समस्त कुंभ का आनंद हम सब लोग जिनके कारण इतनी सुविधा पूर्वक ले रहे हैं उन हमारे भारत माता मंदिर एवं भारत जनहित ट्रस्ट के और हम सभी के आदरणीय प्रिय श्रीमान इंद्र दत्त शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। हम सब लोगों को उनको शुभकामना देने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तो आइए हम सब लोग उनका अभिनंदन भी करें और उनको शुभकामनाएं भी प्रदान करें। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं
सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिन मंगल हो जन्मदिन मंगल हो जन्मदिन मंगल हो महाकालेश्वर भगवान की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे करुणा कर कर तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे करुणा कर महाराज की सद्गुरु देव की वृंदावन बिहारी लाल की गंगा माता की गौ माता की भारत माता की वेदव्यास भगवान की शुकदेव भगवान की महर्षि वाल्मीकि भगवान की देवर्षि नारद भगवान की महाकालेश्वर भगवान की हर सिद्धि माता की क्षिप्रा मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं
पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोयं भूतिभूषणस्वरवरः सर्वाधिपस्सर्वदा शर्वसर्वगतः शिवस्य शनिभः श्रीशङ्करः पातु मां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पतां माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्याञ्च विश्वेशम् त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं उष्मेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभे ओंकारे परमेशाख्यं लिंगमासीद्यथा द्विजा तथा वक्ष्याम्यो प्रीत्या श्रूयतां परमर्षयः। अनंतकंद परमात्मा भगवान परम शिव की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा सूत जी महाराज मुनीश्वरों के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। भगवान सोमनाथ अर्जुन भगवान का वर्णन देखा। परम प्रतापी अद्भुत भगवान महाकालेश्वर का सुंदर वर्णन हमने देखा। आइए इसके पश्चात भगवती नर्मदा के तट पर विराजमान भगवान ओंकारेश्वर के वर्णन की ओर चलें।
महात्मा सुत जी महाराज वर्णन करते हैं मुनीश्वरों एक बार देवर्षि नारद जी महाराज घूमते घामते नर्मदा के तट पर विंध्य पर्वत पर आए। नारद जी तो सारे विश्व का ही प्रबंधन करते रहते हैं, कॉस्मिक मैनेजमेंट ये उनका विषय है, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, संस्कारों के संरक्षण के लिए कब कहां जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसको पीछे खींचना चाहिए, ये सारी बातें नारद जी के चिंतन में होती है। आज वे विंध्याद्रि के ऊपर पधारे, महाराज विंध्य ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। ये पर्वत जब पूजन करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य भी होना चाहिए, लेकिन वैसे बात समझने की है। हम जब विंध्य कहते हैं तो विंध्य का केवल प्रस्तर वहां पर हमारी दृष्टि में नहीं होता, उस पर्वत की अभिमानिनी देवता, ऋषियों का दर्शन ऐसा है वेदों के अनुसार कि सारा विश्व ही चिन्मय है, यहां जड़ कुछ भी नहीं, और इसलिए सभी पदार्थों के चिन्मय रूप हुआ करते हैं। सूर्य की पूजा हम करते हैं तो तेजोमय हीलियम के गोले की पूजा नहीं करते, तदंतर्गत चैतन्य की पूजा करते हैं। हम भूमि को वंदन करते हैं प्रातःकाल उठने पर, या पूजा करते समय भी भूमि की पूजा करते हैं। भूमि के भी भीतर चेतना है, ये हमारी धारणा है। गंगा जी की पूजा करते हैं, हम ऐसा नहीं मानते कि यह जल केवल जड़ वस्तु है, उसके भीतर भी चेतना है, उस चैतन्य तत्व की पूजा है। दर्शन की भाषा में इनको तदभिमानिनी देवता ऐसा कहते हैं। हिमालय की कन्या है पार्वती, इसका अर्थ उस पत्थर की, उस जड़ पदार्थ की कन्या नहीं है, वहां पर जो चैतन्यमय देवता है उनकी वह कन्या है। वैसे ही विंध्य के पास जब नारद जी आए, विंध्य ने उनका पूजन किया तो नारद जी तो विशिष्ट उद्देश्य लेकर के आते जाते रहते हैं। बातचीत का दौर चलाते समय नारद जी ने कहा कि भैया आजकल तो बस जो भी नाम है, हिमालय का नाम है और मेरु पर्वत का नाम है, सारा उन्हीं का बोलबाला है। अब ऐसी बात जब तुलना के रूप में कही जाती है तो अपने आप बुरा लगता है, ईर्ष्या निर्माण होती है। विंध्य के भी मन में इसी प्रकार की बात आई और विंध्य को ऐसे लगा कि न्यूनंच त्वया दृष्टम मयि निश्वास कारणम। नारद जी मुझे क्या करना चाहिए, सभी की प्रशंसा आप करते हैं, मैं तो कहीं का नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा भैया देखो, ये सब का जो महात्म्य बढ़ता है ना, ये भगवान की कृपा से बढ़ता है। तुम्हें भी चाहिए कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, भगवान
महादेव करुणा मूर्ति है, यदि वे प्रसन्न तुम्हें हो गए और वे यहां पर आकर के विराजमान हो गए तो अपने आप तुम्हारा भी महात्म्य बढ़ जाएगा। भगवान शिव करुणा मूर्ति है। बिंद ने नारद जी की बात का श्रवण करके तपसाते प्रसन्नोस्मि भक्तानाम ईप्सित प्रदाह। बात क्या हो गई, विंध्य अपने लिए देवर्षि नारद जी के कथनानुसार भगवान शिव की आराधना कर रहा है एक स्थान पर, उसी समय विंध्य पर्वत का आश्रय लेकर के देवता भी भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं वहां से समीप अन्य स्थान के ऊपर। भगवान शिव का प्राकट्य दोनों स्थानों में हुआ और भगवान महादेव विंध्य की महिमा को बढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर भगवान की जय, अमरेश्वर भगवान की जय, परमेश्वर भगवान की जय, ओंकारं चैव यल्लिंगं एकं तच्च द्विधा गतं प्रणवे चैव ओंकार नामासीत् सदा शिवः। एक ही भगवान ओंकार प्रभु दो स्थानों में विभाजित होकर के वहां पर स्थापित हो गए ताकि विंध्य की महिमा और भी अधिक बढ़ जाए। भगवान का विंध्य के ऊपर यह निवास, नर्मदा जी का विंध्य के साथ लगाव, उसके ऊपर से उनका निर्गमन, इन सारी बातों के कारण विंध्य अत्यंत पूज्य हो गए। ओंकारेश्वर भगवान की जय। सारे के सारे देवता, सारे अवतार भी तपस्या करते हैं। देखो, भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा शब्द यदि कोई है तो वह है तप। भगवान शिव भी तप करते हैं, भगवान नारायण भी तप करते हैं। बद्रिकाश्रम में आप जाकर के भगवान नारायण का जो दर्शन करते हैं, पद्मासन में विराजमान होकर के भगवान नारायण वहां पर तप कर रहे हैं। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। बल्कि बद्रीनाथ जी में तो नर और नारायण दोनों भाइयों के रूप में दिव्य तप चलता है। शक्ति का संचय जब तक नहीं होगा उस तब तक इन शक्तियों का प्रस्फुटन और महिमा व संवर्धन कैसे हो सकता है। इसलिए रावण तप करता है, हिरण्यकश्यपु तप करता है, भगवान श्री कृष्ण तप करते हैं, भगवान श्री राम तप करते हैं, अर्जुन तप करते हैं। जो तप करता है वही बड़ा होता है और सभी के परमोच्च देव भगवान नारायण भी भगवान नर के साथ बैठ करके तपस्या में लीन रहते हैं। नर नारायण की तपस्या का वर्णन श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में सभी पुराणों में आता है। बद्रीनाथ जी की यात्रा करने वाले लोगों को पता है वहां के दो पर्वतों के नाम ही नर पर्वत और नारायण पर्वत ऐसे हुए हैं। भगवान नर नारायण तप करते हुए आराधना किसकी करते हैं? यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया स्थीयताम स्वेन रूपेण
पूजार्थम शंकर स्वयं। दोनों भी नर और नारायण मिलकर के भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। आराधना के परिणाम स्वरूप साक्षात भगवान महादेव कृपा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। नर नारायण दोनों भी भगवान शिव के भक्त हैं। भगवान शिव से उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भगवान शिव ही चाहिए। शिव से चाहना अलग बात है, शिव को चाहना अलग बात है। भगवान को चाहना अलग बात है, भगवान से कुछ चाहना अलग बात है। हम लोग भगवान से चाहते हैं, अब क्या क्या चाहते हैं आप अपनी जाने। सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, दुनिया भर की बातें चाहते हैं। गलत नहीं है, केवल समझाता हूं। लेकिन नर नारायण को तो न सुख न संपत्ति न दुनिया भर की और कोई बातें, वे तो कहते हैं कि ठाकुर हम आपको चाहते हैं, इसलिए आप हम पर एक कृपा करो, अपनी इच्छा से हम आपका लिंग बना करके कोई आपका पूजन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आप अपनी इच्छा से स्वयं यहां पर एक रूप में प्रकट हो जाइए और निरंतर यहीं पर रहिएगा ताकि हम उसी का पूजन करके आपकी आराधना सिद्ध कर सकें। ऐसा कहते ही भगवान वहीं पर अंतर्धान होकर के दिव्य लिंग के रूप में प्रकट हो गए। केदारनाथ भगवान की जय। भगवान केदारनाथ का दिव्य स्वरूप वहां पर प्रकट हो गया। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुराध्या। अत परम प्रवक्ष्यामि स्वयं एक पुत्र का जन्म हुआ। यह कुंभकर्ण की एक व्यभिचारज संतति है। कर्कटी नामक एक राक्षसी जो विराद की पत्नी थी। विराद का नाम आप लोगों ने वाल्मीकि राम कथा में सुना होगा। भगवान से दक्षिण की ओर जब बढ़े, सच्चे वनवास का आरंभ तो अब हुआ है, दंडकारण्य में भगवान का प्रवेश अब हुआ है। सबसे पहले आपत्ति जो भगवान के ऊपर आई वो विराद के द्वारा लाई गई। भगवान श्री राम आगे है, लखनलाल जी महाराज पीछे है, मध्य में भगवती जानकी है। भगवती सीता की रक्षा ये इनका उद्देश्य है। बड़ा विचित्र है यह विराद, यह पेड़ के ऊपर बैठा है। भगवान श्री राम आगे निकल गए, लखनलाल जी महाराज अभी आने वाले हैं। बीच में ही इसने भगवती जानकी को अपने हाथ को फैला करके उठा लिया और विराद वहां से भागा। विराद की कथा नहीं कहनी है, भगवान ने इस विराद को बाद में मारा, गाड़ दिया। इसकी पत्नी है कर्कटी। इस कर्कटी को एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है भीम। यह भीम बड़ा भयंकर है और इस भीम को एक बात का बड़ा क्षोभ है कि मैं व्यभिचार से उत्पन्न संतति हूं। उसकी मां ने उसको बताया कर्कटी ने, बेटा देखो वैधव्य प्राप्ति के पश्चात मैं अकेली थी, रावण का भाई कुंभकर्ण इस दिशा में आया और कुंभकर्ण ने मेरे ऊपर बल प्रयोग किया जिसके कारण तुम्हारा जन्म हुआ।
भीम को इसके लिए अपने मन में बड़ा क्षोभ होता था। चिढ़ करके वह लोगों की हिंसा पर उतर आता। ब्रह्मा जी की आराधना करके उसने अपार बल प्राप्त किया। चिढ़ा हुआ व्यक्ति किसी न किसी का बदला लेना चाहता है। रोष मुझे इसका आया तो भी कोई बात नहीं, सामने इस समय तुम आए हो तो तुम्हें मारता हूं। व्यक्ति चिढ़ जाता है। भीम का ऐसा ही हुआ। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जहां जहां कोई धर्म कार्य चलता है वहां वहां जाकर के ये भीम उसका पूरा नाश कर देता है, तहस नहस करता है, धर्म कार्य करने वालों को मार डालता है। ये सारे धर्म कार्य के भगवान के भगवत भक्ति के विरुद्ध है। लेकिन बलवान बहुत है, इसलिए कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पंचाक्षरमयी विद्या जजाप प्रणवान्विताम नान्यत् कार्यम सवै कर्तुम लब्ध्वा। संयोग की बात ऐसी थी, उसी समय कामरूप देश का राजा जिसका नाम सुदक्षिण है, भगवान शिव की अनन्य आराधना करता हुआ वह निरंतर शिव पूजा करता है, षड्क्षर का जप करता है। शिवाराधना के अंतर्गत आने वाली सारी बातें, यह तो उसका निरंतर का दैनिक आचार है। भस्म का उदाहरण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और गौरव मानता है कि भगवान शिव की आराधना करने का सद्भाग्य मुझे परमात्मा शिव ने ही प्रदान किया है। सारे देवता इस भीम से त्रस्त होकर के जब भगवान महादेव के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान महादेव ने कहा, देखो भाई, इस सुदक्षिण के ऊपर जब इसका कोई आक्रमण होगा तब मुझे भी इसे मारने का मौका मिलेगा। वैसे वह अन्य किसी को न मानता हो तो मुझे मानता है, लेकिन मुझे केवल मान करके क्या होगा, एक और तो मुझे मानता भी है, मेरी आराधना भी करता है और दूसरी ओर अत्याचार भी करता है। मुझे कोई अवसर चाहिए। प्रवास करता हुआ कामरूप देश का राजा सुदक्षिण जब दक्षिण में आता है और उसकी पूजा का संभार देख करके, उसकी धर्मनिष्ठा देख करके ये भीम चिढ़ जाता है। पूजा में बैठा है सुदक्षिण, भीम आकर के वहां पर पहुंचा, ये पूजा वूजा बंद करो, उसके वाक्य यहां पर यह है, ये कौन होता है शंकर आदि आदि। जबकि वह स्वयं भगवान शिव की कुछ आराधना कर चुका है और वह यह भी कहता है कि मेरे पितृ रावण शिव की आराधना करके बड़े तो हुए, लेकिन यह भी कहता है कि शिव की आराधना तो मेरे पितृव्य ने, मेरे चाचा ने, रावण ने की, लेकिन शंकर को उसने अपना किंकर बना लिया। इसलिए आप लोगों को पूजा उजा करनी हो तो मेरी कीजिएगा, ये बाकी सब छोड़ दीजिएगा। सुदक्षिण अनन्य है। उसने कहा, मैंने अपना जीवन भगवान शिव के चरणों में अर्पण किया है, मैं शिव जी की पूजा का त्याग नहीं कर सकता। अरे कितनी बार हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद जी से कहा कि छोड़ो इस नारायण के नाम को,
प्रहलाद जी कह सकते थे कि हां छोड़ दिया, मन के मन में लेने से किसको पता चलना है। लेकिन प्रहलाद जी ने यह नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा भगवान नारायण में मेरी अनन्य निष्ठा है और जीवन में वही धन्य है जो उनमें निष्ठा रखता है, उनकी नवधा भक्ति ही मनुष्य के जीवन का सार है आदि आदि। प्रहलाद जी ने छिपाया नहीं कुछ। सुलक्षण भी यही कहता है कि मैं भगवान शिव का आराधक हूं, उनके कारण मैं हूं। बहुत बार समझाने पर भी जब सुलक्षण मानता नहीं है इस बात को, तो भीम ने आखिर उसे मारने के लिए सुलक्षण के ऊपर जोर से कूद लगाई। शत्रुओं को लेकर के यह भीम सुलक्षण के ऊपर कूदा। सुलक्षण तो भगवान शिव के सामने बैठा है, मेरा जो कुछ होना है वो शिव करेंगे, बचना है तो शिव की कृपा, जाना है तो शिव की इच्छा। महादेव कह करके वह केवल भगवान शिव की ही आराधना में तल्लीन है। शस्त्र लेकर के भीम कूदा तो सही, जहां पर वो कूदता है वहीं पर भगवान शिव का आविर्भाव हो जाता है। भीमा शंकर भगवान की जय। और भगवान महादेव ने सुलक्षण को बचाने के लिए और भीम को समाप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके नाम को बचाए रखते हुए उसके नाम को अपने साथ जोड़ करके भीमाशंकर रूप धारण किया। भगवान भीमशंकर का यह रूप अद्भुत स्वरूप है और इस लिंग में, एक ही लिंग में दो तत्व दिखते हैं, शिव और शक्ति दोनों। जैसे त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के स्वरूपों का दर्शन है, उसी प्रकार भीमाशंकर में शिव और शक्ति दोनों का दर्शन है। उस लिंग में दोनों का पूजन होता है। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान महादेव जी ने स्वयं अपने लिए और अपनी प्रिया प्राणवल्लभा भगवती पार्वती के निवास के लिए एक सुंदर स्थान बनाने का विचार किया। गृहस्थाश्रम है तो अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा निवास स्थल चाहिए। भगवान शिव जी को चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लेकिन पार्वती जी को चाहिए। ततश्च तेजसः सारम पंचक्रोशात्मकम शुभम सर्वोपकरणैर्युक्तम सुंदरम नगरं तथा। ऐसा एक सुंदर नगर बनावे, ऐसा दिव्य बनावे कि जिसमें आनंद ही आनंद हो। परम महेश्वर भगवान महादेव जी की इच्छा होते ही एक दिव्य स्थान निर्माण हो गया। पांच कोशों का वह स्थान है, पंचक्रोशात्मक है, नाम उसका आनंदवन है और निरंतर प्रकाशमान होने के कारण उसको काशी भी कहते हैं। भगवान अपनी लीला के लिए उस सुंदर नगर को बनाए और यह भी विचार किया कि हमें तो अपनी लीला में मग्न रहना है। सृष्टि का कार्य कौन करेगा, तो किसी को सौंप देना चाहिए। स्वेच्छा से भगवान शिव ने भगवान नारायण को प्रकट किया। भगवान हरि सृष्टि के कार्य को देखते रहे, ऐसी आज्ञा उनको की। उसके पूर्व उनका तप हो जाए यह भी कहा।
तपस्या से दिव्य स्वेद की खूब धाराएं चली, सुंदर जलाशय निर्माण हो गया। भगवान नारायण के मस्तक के हिलने से उनका एक कर्णाभूषण वहां पर गिर पड़ा, उसका नाम मणिकर्णिका ऐसा हो गया। ततश्च पतितः कर्म कर्णान मणिश्च पुरत प्रभो। भगवान शिव और शिवा का वह दिव्य लीला विलास प्रकट तो हुआ। भगवान नारायण ने उनसे कहा, आपका यह निवास अंतरिक्ष में है, सामान्य कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सकता है, इसलिए आपको आवश्यक है कि आप ऊपर से जरा नीचे आकर के धराधाम पर विराजमान हो जाइए। पंचक्रोशात्मक आपका यह लिंग भूमंडल के ऊपर कहीं आकर के टिकना चाहिए और वहां पर आपका निवास होना चाहिए। वारणा और अस्सी इन दोनों नदियों के मध्य में आकर के वह पंचक्रोशात्मक नगर जैसे ही बसा, उसका नाम वाराणसी ऐसा हो गया। और उस वाराणसी में भगवान शिव अभियुक्त इस नाम से, विश्वेश्वर इस नाम से विराजमान हुए। विश्वेश्वर भगवान की जय। यद्यपि भगवान विश्वेश्वर वहां पर अपने रूप से विराजमान तो है, लेकिन मूल भाव इस प्रकार का है, पंचक्रोशात्मकम लिंगम, यह संपूर्ण वारणा और अस्सी के मध्य में आने वाला जितना क्षेत्र है वह पूरा का पूरा शिवलिंग माना गया। और इसलिए काशी में यह पद्धति है कि विश्वनाथ की पूजा करने के लिए विश्वनाथ जी के मंदिर में ही जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, कहीं पर बैठ करके विश्वनाथ जी की पूजा होती है। प्रलय के समय सारा भूमंडल चाहे डूब जाए, त्रिशूल के ऊपर पुनः यह वाराणसी ऊपर स्थापित कर दी जाती है और प्रलय की समाप्ति के पश्चात पुनः वह भूमंडल में आकर के विराजमान हो जाती है। प्रलय में भी नष्ट न होने वाला इस प्रकार का यह स्थान जिसका नाम आनंदवन है, यह इतना अद्भुत, इतना अद्भुत महात्मा सूत्र जी महाराज वर्णन करते हैं। सारे संसार में कितने भी स्थान हैं, लेकिन ध्यान अवश्य रखना, काशी जैसा अन्य कुछ भी नहीं। ज्ञानापेक्षा न चात्रैव, और यह केवल शिव पुराण की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया है कि सर्वोत्तम नगरी यदि कोई संसार में है तो वो काशी है। मुक्त होने के लिए कहीं ज्ञानी होना पड़ता है, कहीं दर्शन के लिए जाना पड़ता है, कहीं भक्ति की अपेक्षा है। ज्ञानापेक्षा न चात्रैव, भक्तपेक्षा न वै पुनः, कर्मापेक्षा न देव्यत्र, दानापेक्षा न चैव हि। आप यहां पर निवास करें इतना ही बस है। वेदांत पढ़े चाहे न पढ़े, गीता पढ़े चाहे न पढ़े, रुद्र पढ़े चाहे न पढ़े, पूजा करें चाहे न करें, दान दें चाहे न दें, ध्यान करें चाहे न करें, अरे और तो और भगवान का नाम भी चाहे ले चाहे न ले। नामापेक्षा अर्चनापेक्षा सुजाति नाम तथा त्रन। कोई कहता है नाम से मुक्ति, कोई कहता है दान से मुक्ति, कोई कहता है भक्ति से मुक्ति। सूत्र जी महाराज कहते हैं काशी में निवास करने वाले की केवल वहां पर निवास करने मात्र से ही मुक्ति। मम क्षेत्रे मोक्ष देही यो वा वसति मानवः यथा तथा मृतस्याचेन
मोक्ष प्राप्नोति निश्चितम। केवल काशी में निवास कर लें और काशी में उसका शरीर छूट जाए, फिर से सुन लीजिएगा, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए, भक्ति की भी नहीं बोल रहे, सत्कर्मों की भी नहीं बोल रहे, कठिन है। और मुख्य बात यह ध्यान रखना कि यह अर्थवाद नहीं है। काशी में बड़ा शास्त्रार्थ एक बार हुआ, 50 वर्ष पहले की बात है। ज्ञानान मोक्षा यह सिद्धांत है वेदांत का, और काश्यांत मरणान मुक्ति यह सिद्धांत है काशी का। अरे ऐरा गहरा आदमी भी काशी में मर जाएगा तो क्या मुक्त हो जाएगा? इसको लेकर के विवाद हुआ है, उसको ज्ञान है नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? और सारे बड़े बड़े विद्वानों के विवाद का निष्कर्ष मैं आपको सुनाता हूं। सबने यही कहा, काशी में शरीर छूटने पर उसको ज्ञानी रहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी परम गति भगवान शिव के अधीन है। भगवत जी का सिद्धांत क्या है जी? आरंभ में ही श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने एक बात बतला दी कि राजन अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए तो जीव की सदगति हो गई। अंत काल में भगवान नारायण का स्मरण हमें हो प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठारोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कल्पना ये करो कि आप कहीं कोमा में चले गए, एक्सीडेंट में एकदम चले गए, तो अंत काल में भगवान को याद करने का अवकाश कहां है? काशी के विद्वानों ने सुसंगति लगाते हुए बड़ी सुंदर बात बतलाई है, और यह काशी खंड से और शिव पुराण से हम सब लोगों को मिलता है, लिंग पुराण से मिलता है। जिसका जिसका प्राणोत्क्रमण काशी में होता है, भगवान महादेव का उसको वरदान, रामकृष्ण परमहंस देव ने केवल एक बार तीर्थ यात्रा की, एक ही बार की,
उसमें वे काशी आए। नौका में बैठ करके सारे तीर्थों का, सारे घाटों का दर्शन करते हुए चले थे, और जैसे मणिकर्णिका घाट दिखने लग गया, ठाकुर एकदम नौका में खड़े हो गए। साथ के सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया, चलती हुई छोटी नौका में खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन ठाकुर तो एकदम कुछ तो भी आविर्भाव होकर के समाधिस्थ हो गए, उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। कुछ समय के पश्चात जो नौका आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा, अरे मणिकर्णिका तीर्थ आया था और मैंने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति का प्राणोत्क्रमण हो रहा था और साक्षात भगवान विश्वनाथ उसके समीप बैठ करके उसको दक्षिण कर्ण में राम नाम का उपदेश कर रहे थे, कि मैंने अपनी आंखों से देखा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जो बात कहते हैं उसकी आपत्ति कौन कर सकता है। काश्यांत मरणान मुक्ति, शास्त्रों का तालमेल विद्वानों ने क्या बैठाया। उन्होंने कहा काशी में शरीर छूट गया तो सत्य मुक्ति नहीं होगी, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान शिव के पार्षद का रूप लेकर के वह काशी नगरी में ही रहेगा, उसके प्रारब्ध क्षीण वहीं पर हो गए और उसके पश्चात भगवान शिव की कृपा से वह मुक्त होगा, पुनर्जन्म नहीं है, ये तो बात पक्की। विश्वेश्वर भगवान की जय। सारे संसार में सर्वत्र बड़ा जल का अभाव हो गया था, अकाल तो पड़ा लेकिन ऐसा भयंकर पड़ा कि कैसे जीवन जिया जाए, लोगों के ऊपर बड़ी आपत्ति आई। संजोग की बात यह थी कि इस प्रकार के भीषण अकाल में भी जो वर्षों तक चला, महर्षि गौतम का आश्रम हरा भरा था। महर्षि गौतम ने अपने आश्रम में विद्वानों को, वैदिकों को, धार्मिक लोगों को रहने के लिए बुलाया। महर्षि गौतम स्वयं भगवती गायत्री के उपासक हैं। यह सारा विस्तार से विषय आता है देवी भागवत में, लेकिन यहां पर भी आता है। भगवती गायत्री की आराधना यही मौलिक आराधना है। सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्तिम उपासन्ते गायत्रीम वेद मातरम। भगवती गायत्री की कृपा से महर्षि गौतम के लिए सब अनुकूलता थी, सभी लोगों का पोषण उन्होंने अनेक वर्षों तक किया, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात महिलाओं में आपस में एक दूसरों की अनबन हो जाना और एक दूसरों का बड़प्पन न सह सकना, पता नहीं ये बीमारी कहीं कहीं है। महर्षि गौतम की पत्नी की महानता, उनकी लोकप्रियता के कारण वहां की महिलाओं को जरा ईर्ष्या हुई और अपने पतिदेवों को समझा करके उन्होंने गौतम के ऊपर निमित्त मात्र बना करके एक गैया के मरने का, उनके हूं करके मरने का आरोप लगा दिया और इतने महान गौतम स्वयं अपराधी माने गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सारे ब्राह्मणों की पंचायत ने इतने महान महर्षि गौतम का न्याय करते हुए ये कहा कि आपने जघन्य गोहत्या की है। निष्कारण यह आरोप आया। ब्राह्मणों ने कहा आप पृथ्वी की परिक्रमा कीजिएगा या गंगा जी को यहां पर ला करके अपनी शुद्धि को प्रमाणित कीजिएगा। वास्तव में यह सब अनावश्यक था, लेकिन धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले महापुरुष महाराज गौतम स्वयं त्रिवारं पृथ्वीं सर्वां क्रम पापं प्रकाशयन पुनरागत्य चात्रैव चरमासव्रतं तथा अथवा त्वं समानीय गंगां स्नानं समाचर पार्थिवानां तथा कोटिं कृत्वा देवं निषेवय। महर्षि गौतम ने इन सभी का एक ही उपाय माना और रानी भगवान शिव की कृपा हो जाए तो सब कुछ सुलभ हो सकता है। ये सोच करके महर्षि गौतम भगवान शिव जी की आराधना में लग गए और चूंकि महर्षि गौतम उत्तम तपस्वी पहले से रहे औढ़रदानी भगवान शिव उनके सामने शीघ्र प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव त्वया स्थातव्यमत्रैव। महर्षि गौतम के नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी शुद्धि के लिए न मेरी आवश्यकता है न गंगा जी की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारा प्रभाव लोग जाने इसलिए मैं यहां पर आ गया। गंगा तुम्हें चाहिए, लो। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने जैसी जटाओं को हिलाया ब्रह्मगिरी के ऊपर से साक्षात गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गोदावरी मैया की जय। भगवान शिव ने कहा गंगे अब तुम्हें यहीं पर निवास करना है, गोदावरी तुम्हारा नाम रहेगा। और मेरे गौतम का प्रभाव सब लोग देखते रहेंगे। ध्यान रखना सारे के सारे देवता सिंहराशौ यदा स्याद् वै गुरु सर्वसुरुत्तमः तदा वयं च सर्वे त्वाम् आगमिष्यामो न संशयः। सारे के सारे देवता सिंह राशि में जब गुरु रहेंगे उस समय यहीं पर आकर के और गोदावरी के तट पर निवास करेंगे। सा गंगा गौतमी नामना लिंगम त्र्यंबकमीरितम्। गौतम ऋषि के कारण पधारने के कारण गंगा जी का नाम वहां पर गौतमी हो गया और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ज्योतिर्लिंगों में अनन्य साधारण महत्व जिसका है ऐसे भगवान त्र्यंबकेश्वर की इस दिव्य कथा का श्रवण हम लोगों ने किया। अवशिष्ट ज्योतिर्लिंगों की कथा हम लोग कल देखेंगे। कुछ विशेष कार्य के लिए देव की आज्ञा से मुझे भी प्रस्थान करना आवश्यक है, इसलिए आज की कथा का विराम यहीं पर करेंगे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। जय शिव शंकर जय गंगाधर। Bye.
विश्वाखण सारे हर 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 हरे तो जाकर दशम जयति सोहे शिव दशम जयति सोहे महाकालेश्वर भगवान की जय। कल प्रातःकाल ठीक 9 बजे अपनी कथा आरंभ होगी और ठीक 11:30 बजे अपनी शिवपुराण कथा की समाप्ति होगी। डम 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 रो बजे